आप सबों को अधिशीघ्र ही आने वाला यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की विशेष करते हुए आज का मनन के लिए मत्ती रजिस्टर समाचार 24वें अध्याय 6-7-8 हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज 8वां दिन में पहुंच गया है रूस एवं यूक्रेन की लड़ाई। लोग बहुत शंकाओं में हैं और डर में हैं। ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की ओर हमें ले जाएगा क्या, ये एक चिंता लोगों के अंदर में है। लेकिन प्रियो, ये अंत का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाइयों का शुरुआत है। एक महिला गर्भवती होकर जब 10वां महीना पूरे होते हैं, तब हम तैयारी में हैं कब इनका प्रसव पीड़ा होगी। प्रसव पीड़ा, अगर प्रसव वेदना अगर महिला को शुरू होगी, फिर नजदीक है उनका डिलीवरी। इसी प्रकार युद्धों के शुरुआत में अलग अलग युद्धों से एक दिन अंत तक हम पहुंचेंगे। जैसे छोटे छोटे युद्ध होंगे और उसके बाद जैसे पीड़ा ज्यादा होने के पहले यीशु मसीह का आगमन होगा, फिर तीसरे विश्व युद्ध होगा, उसका मतलब हरमगदन युद्ध, और आखिरी गोग मागोग लड़ाई। वो इसी प्रकार आखिरी में अंत आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लेकिन रूस आज पूरे दुनिया के लोगों को डराया है। प्रियो, अंत के दिनों में रूस को ही शैतान यूज करेंगे। उसके लिए परमेश्वर का वचन में हम देखेगा तो एजेकेल के पुस्तक में उसका 38वें अध्याय उसका 7वां वचन की ओर मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। एजेकेल 38वें अध्याय 7वां वचन, वहां पर हम देखते हैं, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुवा बनना। पर याद रखना, अंत का समय तक रूस रहेंगे, इस दुनिया का अंत तक रूस रहेंगे, ताकि रक्षा के द्वारा ही शैतान पूरे विश्व के लोगों को अपने नेतृत्व में उन लोगों को प्रभु का लोगों का विरोध में, इसराइल का विरोध में लड़ने के लिए यूज करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ा है, इसलिए तू तैयार हो जा। आपको मालूम है 1991 में हमारा सोवियत यूनियन पूरी तौर से उसके मतलब 15 राष्ट्रों में तितर फितर हो गया था। एक कागज, एक कांच नीचे गिरने के समय कैसे अलग अलग पीसेस हो जाएगा, वैसा ही 15 पीस हो गया था। लेकिन रशिया अभी और शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आ रहा है, ताकि इसी देश को शैतान इसराइल के विरोध में और यूज करेंगे। उस समय इनके साथ कई देश जुड़ जाएगा करके बीते दिनों में हमने मनन किया है। अब कोई नहीं है उनके साथ देने वाला। दक्षिण कोरिया का, उत्तर कोरिया का जो किम जोंग, उनको सपोर्ट थोड़ा किया है लेकिन पूरी तौर से नहीं किया है। बाकी कोई भी देश उनका जो भी कार्य, जो यूक्रेन के विरोध में जो भी कर रहा है, कोई भी देश को वो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन समय पर आएगा, समय जब आएगा उनके साथ कई राष्ट्र जुड़ जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना,
और तू उनका अगुवा बनना। इन ये वचनों से हमको पता चलेगा बाइबल के अनुसार आखिरी में रूस को शैतान यूज करेंगे। हालेलुया। और हम 38 का 5 और 6 उसका पहले 1 से हम पढ़ेगा तो 38 का पहला वचन से, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके जो रोश और मेशक तूबल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और ये कह, हे गोग, हे रोश, मेशक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर भी आखिरी में ये रूस का विरोध में होगा और रूस के साथ जितने राष्ट्र आखिरी समय में जुड़ेंगे उनका विरोध में भी परमेश्वर लड़ाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका पांचवा वचन, छठवा वचन में लिखा है, और उनके संग फारस, हमने पिछले दिनों में देखा फारस, कुश और पूत को जो सबके सब डाल लिए और टोप लगाए होंगे और गोमर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर के देशों के तो गर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा, तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। जब समय आएगा, महायुद्ध का समय आएगा, रूस के साथ बहुत सारे देश इकट्ठे होंगे करके बीते दिन में हमने स्टडी किया। उसमें आपको मालूम है फारस मतलब फारसी, ईरान है, कुश मतलब सेंट्रल अफ्रीका है, पूत मतलब नॉर्थ अफ्रीका है, और फोर्थ जो है गोमर जर्मनी है, पांचवा तोगर्मा टर्की है, और इसके साथ साथ कई अन्य जाति देश उनके साथ जुड़ जाएगा करके इन वचनों से हमको पता चल रहा है। हालेलुया। बीते दिनों में इस लड़ाई के बीच में यूक्रेन छोड़कर 5 लाख से ज्यादा लोग वहां से पलायन हो गया है, अभी भी हो रहा है। जैसे बीते दिनों का रिपोर्ट के अनुसार पोलैंड की ओर जो पड़ोसी देश है 281,000 लोग वहां की ओर चला गया, हंगरी उसमें 84,000 लोग वहां की ओर पलायन हो गया, और मोल्डोना 36,000 लोग वहां की ओर गया है, यूरोपीय देश की ओर 34,000 लोग गया है, और सोमालिया की ओर 32,000 लोग चले गए हैं, और स्लोवाकिया की ओर 30,000 लोग गया है। इसी प्रकार 5 लाख से ज्यादा लोग वहां से पलायन हो रहा है। वहां का इंडिया के विद्यार्थियों का स्थिति अभी भी बुरा कंडीशन में है। हम प्रार्थना में रहे। वो मैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड बताना चाहता है, अब रूस का लड़ाई यूक्रेन की ओर है, लेकिन बाइबल में हालेलुया ये नहीं कहता यूक्रेन के द्वारा ही है इनका अंतिम लड़ाई, नहीं, जो परमेश्वर कहता है जो अंतिम लड़ाई, हालेलुया, अंत समयों का विश्व युद्ध जो है इसराइल का विरोध में है। हालेलुया। उस समय परमेश्वर का वचन वो वचन पूरा होगा एजेकेल 39 अध्याय का 1 से लेकर हम पढ़ेगा तो हमको समझ में आएगा, तब हमको समझ में आएगा यूक्रेन की विरोध में लड़ाई होगा तब अंत होगा करके नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। महायुद्ध जो है रूस और उनके साथी लोग इसराइल के विरोध में लड़ाई करेगा, उस समय में क्या होगा करके बाइबल में लिखा है। वह यूक्रेन के विरोध में जो लड़ाई हो रही है ये विश्व युद्ध नहीं होगा। हालेलुया। ये लड़ाइयों का शुरुआत है, पीड़ा शुरू हो गया है, लड़ाई शुरू हो गया है। इसी प्रकार कई लड़ाई महामारी चलते 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 आखिरी तक लड़ाई चलते रहेंगे, लेकिन जब हालेलुया लड़ाई ज्यादा होगा तब प्रिय भाइयों बहनों अपने लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे, तब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। वो लड़ाइयों का शुरुआत हो गया है जब
दुनिया के प्रभु के लोग उसका हालेलुया सामना नहीं करेंगे, तब परमेश्वर का पुत्र को पिता हालेलुया दुनिया की ओर भेजेंगे। वो हम 39 अध्याय में देखेंगे, वहां पर 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए, प्राइस द लॉर्ड, देख लीजिए। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके ये कह, हे गोग, हे रोश, मेशक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। हालेलुया। वो मेरा कहने के मतलब, तीसरे विश्व युद्ध जो लोग कहता है वो यूक्रेन के साथ का लड़ाई नहीं है। प्रभु बोलता है तुम बहुत तेरे लोगों से लड़ाई कर रहा है, लेकिन एक दिन मैं इसराइल के पहाड़ों में तुमको ले आऊंगा। हालेलुया। उस समय साधारण दुनिया के लोग नहीं, परमेश्वर रशिया के साथ लड़ाई करेगा, उनके साथ में जितने अन्य जाति राष्ट्र है उनका विरोध में परमेश्वर लड़ाई करेगा करके प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए दूसरा वचन में लिखा है, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा। आपको मालूम है अभी यूक्रेन के विरोध में उनका गुस्सा है, उसको कब्जा करने के बाद एक एक राष्ट्रों के विरोध में वो लड़ाई करेंगे और उनको कब्जा करने के लिए कोशिश करेगा, कई जगह में वो कब्जा भी करेंगे, लेकिन आखिरी में इसराइल के विरोध में जब वो हालेलुया लड़ाई करना शुरू करेगा तो परमेश्वर कह रहा है मैं इसराइल के पहाड़ों में तुझे ले आऊंगा। फिर परमेश्वर क्या करेगा, तीसरा वचन, वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा। हालेलुया। अभी वो पुतिन बहुत फॉर्म में है और मैं दुनिया का महाशक्ति हूं करके वो कह रहा है, मुझे अमेरिका से डर नहीं, मुझे चाइना से डर नहीं, मुझे इंडिया से डर नहीं, मुझे किसी राष्ट्रों से डर नहीं, ये बोलकर यूक्रेन के जनता के ऊपर में इतना लड़ाई कर रहा है। लेकिन याद रखना, हालेलुया, जिस दिन इसराइल का विरोध में हालेलुया रक्षिया लड़ाई करेंगे, उस दिन में उनका धनुष, उनका जो हथियार है वो उनके हाथ से गिराएगा करके परमेश्वर का वचन में लिख रखा है। आगे लिखा है, और तेरे तीरों को तेरे दहने हाथ से गिरा दूंगा। उसका मतलब लड़ाई सेनाओं का यहोवा से होगा, इसराइल का हालेलुया जनता से होगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से लड़कर कोई भी राष्ट्र जयवंत नहीं होगा। अब यूक्रेन का विरोध में और अन्य कई देशों के विरोध में जब उनको कब्जा करने के बाद उनका मनोबल बढ़ जाएगा, अब मैं उनका पड़ोसी देश के विरोध में लड़ाई करके उनको भी कब्जा करूंगा, इसी प्रकार कई बार लड़ाई होते 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 आखिरी में इसराइल का विरोध में जब लड़ाई करेंगे तब यहोवा परमेश्वर उनसे लड़ेगा। हालेलुया। उनका पूरा, उनका हाथ से, दहने हाथ से उनका धनुष, उनका तीर, उनका जो भी युद्ध सामग्री है वो सब गिरा दूंगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। 4 में लिखा है, तू अपने सारे दड़ों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इसराइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, वो महायुद्ध होने के पहले यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। हालेलुया। ताकि ये भयानक युद्ध है, इसका सामना कोई कर नहीं सकता। यहाँ पर आप देख रहे हालेलुया रशिया और उनके साथ में जितने देश इसराइल से लड़ाई करेंगे उनको सबको परमेश्वर मार डालेगा करके बाइबल में लिख रखा है। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। 5वां वचन में लिखा है, तू खेत में गिरेगा क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। मैं मागोग में और दीबो के नीडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और
वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, उसका मतलब एक उग्र लड़ाई होने वाला है। लेकिन परमेश्वर के लोग दुनिया में उस समय नहीं रहेगा। वो यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हो रही है ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं है, लेकिन ये लड़ाइयों का शुरुआत हो गया है। हालेलुया, महिला का प्रसव वेदना शुरू हो गया है, उसका मतलब उनका डिलीवरी होने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। अब यीशु मसीह का आगमन के पहले बहुत सारे लड़ाई होगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब प्रभु के लोग उसका सह नहीं पाएंगे, तब यीशु अपने कलीसिया को, अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए बादलों पर आएगा, और उसके बाद होने वाला लड़ाई के बारे में हम चर्चा कर रहा है। उसके साथ में लिखा है, मैं अपनी प्रजा इसराइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इसराइल का पवित्र हूं। ये घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ये वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, ये निश्चय ही होगा रक्षा का साथियों के साथ। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर का अटैक होगा। हालेलुया, उस समय पूरी तौर से तितर बितर होगा करके इन वचनों से हमको पता चल रहा है। उसके 9 से, तब इसराइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे, ढाल और भरी धनुष और तीर लाठी वर्जे सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। हालेलुया, याद रखना, प्राइस द लॉर्ड, 7 वर्ष तक लड़ाई होती रहेगी। अभी कितना दिन हो गया? 8 दिन हुआ है, लेकिन अभी यूक्रेन के साथ जो लड़ाई, अभी 8वां दिन है, कितना दिन तक बढ़ेगा हम बोल नहीं सकते। लेकिन इसराइल के साथ, रशिया उनका साथियों का लड़ाई 7 वर्ष तक होगा। जब इसराइल का जनता निकलेगा और ऐसा मारेगा रशिया को, उनका साथियों को, सबको मार डालेगा। अभी आपको मालूम है हमारा प्रेज द लॉर्ड यूक्रेन का प्रेसिडेंट, हालेलुया, बाकी देशों का जैसे भागा नहीं, अफगानिस्तान का, हालेलुया, प्रेसिडेंट भाग गया। प्रेज द लॉर्ड, सदाम हुसैन के बारे में आप जानते हैं, जितने हमारे पाकिस्तान के, हालेलुया, कई बार लड़ाइयों में उनका प्रधानमंत्री प्रेज द लॉर्ड दुबई की और नहीं तो यूके की ओर भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा भागने वाला व्यक्ति नहीं यूक्रेन का प्रेसिडेंट। वो एक यहूदी है, यहूदी कभी भी हार नहीं मानती। हालेलुया, यहूदी कभी भी हार नहीं मानेगा। वो अपना जनता के साथ लड़ रहा है, मैं भागूंगा नहीं, मैं यही पर डट के खड़ा रहूंगा। हालेलुया, इतना शक्तिशाली रशिया अपना 75% से ज्यादा सेना को भेजने के बावजूद भी, देखो कितने हजार सेना को यूक्रेन मारा है। हालेलुया, कितने हेलीकॉप्टर मार गिराया है, कितना प्रेस लड़ाकू विमान मार गिराया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कारण क्या है। वो एक यहूदी है, वो कभी भी हार नहीं मानेंगे। वैसा ही एक दिन, हालेलुया, विश्व युद्ध में प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा इसराइल भी, वहां का जनता भी निकलेगा करके 9वां वचन में लिखा, तब इसराइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे, ढाल और भरी धनुष और तीर लाठी वर्जे सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। ये पुराना शब्द है, उस समय वही यूज कर देती है, इसलिए भविष्यवक्ता ने वही शब्दों में भविष्यवाणी किया है। लेकिन अभी वो सब नहीं है, बंदूक है, हालेलुया, और लड़ाकू विमान है, कई कई चीज है, लेकिन जो कुछ उनका होगा उस समय उसको सबको जला देंगे करके बाइबल में लिखा है। 7 वर्ष तक वो जलाएंगे। 10वां वचन में लिखा है, इसके कारण वे मैदान में लकड़ी ना बिनेंगे, ना जंगल में काटेंगे,
क्योंकि वे हत्यारों ही को जलाया करेंगे, वे अपने लूटने वाले को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। उसका मतलब 7 वर्ष तक रशिया का और उनका साथी राष्ट्रों का हथियार को लकड़ी का जगह में जलाएगा करके बोलेगा, तो 7 वर्ष तक जलाएगा करके बोलेगा। तो प्रिय भाइयों बहनों, क्या होगा वो लड़ाई? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु में, प्रभु का जो पवित्र जन अभी जो पृथ्वी में है वो उस समय नहीं रहेगा, इसलिए हमको पवित्रताई में जीना है। हालेलुया। इसलिए यूक्रेन और रशिया का ये लड़ाई में अंत होगा करके अगर कोई बोला है तो आप बोलना ये लड़ाइयों का शुरुआत है। प्रसव पीड़ा शुरू होगी है, शुरू हो गया है अब। हालेलुया, हमारे प्रभु आने वाला है और उसके बाद भयानक युद्ध दुनिया में होने वाला है। हालेलुया। उसका 11 में लिखा है, उस समय मैं गोग को इस्राएल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। गोग के बारे में कल आपने देखा, वो रशिया का प्रधान को, जैसे अभी पुतिन है लेकिन बाद में और कोई आएगा पुतिन के बाद। हालेलुया। वो गोग को, गोग का कब्रिस्तान रशिया में नहीं होगा, इसराइल में उनके लिए कब्रिस्तान दूंगा करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भविष्य का उस लड़ाई में जो गोग रशिया का प्रधान प्रेसिडेंट का कब्रिस्तान, हालेलुया, कहाँ होगा? इस्राएल में होगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। वह ताल की पूर्व और होगा, वह आने जाने वालों की तराई कहलाएगी और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा, वहां सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी। उसका मतलब क्या होगा प्रियो? रशिया का और उनका साथी सेनाओं का मिट्टी वहीं पर देंगे, वहां पर एक भयंकर बड़ा कब्रिस्तान होगा। प्रभु कह रहा है, अगर यहोवा कह दिया है तो वैसा होगा। आज दुनिया को डराने वाला रूस अर्थात रशिया, हालेलुया, आतंक दिखाने वाला, कोई भी राष्ट्रों का बात ना मानने वाला रशिया का गोग प्रधान का कब्रिस्तान और उनका साथी लोग उनको, हालेलुया, उसका मतलब साथियों को भी कब्रिस्तान उतरी होगा, बहुत सारे लोग वहां मिट्टी देगा करके लिखा है। और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तरह ही पड़ेगा। वो रशिया का प्रधान का भी कब्रिस्तान वहां रहेगा, उनका भीड़ का भी कब्रिस्तान वहां पर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा स्थिति दुनिया में होने वाली है। हालेलुया। बाइबल जो भी लिखा है प्रियो वैसा ही होगा। बाकी हालेलुया कई ग्रंथों को हम दिखता है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन बाकी ग्रंथों का जैसे नहीं बाइबल। बाइबल में जो भी लिखे रखा है वो भविष्यवाणी यीशु के नाम से वो पूरी होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बारे में लिखा है, इसराइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। वो 7 महीने तक मिट्टी देगा। आप बताओ, एक व्यक्ति खत्म हो गया तो उस व्यक्ति को मिट्टी देने के लिए कितना समय चाहिए? कुछ देर चाहिए, कुछ घंटा चाहिए। लेकिन परेशान हो जाएगा इसराइली लोग, रशिया के साथी लोगों का बॉडी को दफनाते दफनाते कितना महीना लगेगा? 7 महीना लगेगा। वो भयानक लड़ाई आने वाले दिनों में हो रहा है। इसलिए ये लड़ाई विश्व युद्ध करके अगर कोई बोलता है तो बोलना ये शुरुआत है भाई, अभी डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप को तैयार रखना जरूरी है। हो सकता है ये लड़ाई में हालिया भयानक लड़ाई होगी, हालेलुया, हम सह नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु उस समय में आएगा, हालेलुया। लेकिन ये अंत का लड़ाई नहीं है। अंत का लड़ाई प्रेज द लॉर्ड यूक्रेन में नहीं है, अंत का लड़ाई इसराइल में करके उनको बता कर देना है। 13 में लिखा है, देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे। उसका मतलब लड़ने के लिए आने वाला रशिया और उनका साथी लोग मर जाएगा, लेकिन इसराइल करके जो छोटा सा देश है वहां का लोग उस समय भी पूरी तौर से नहीं मरेगा। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा,
परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। वो सेनाओं का यहोवा उस समय महान होगा। आज परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करने वाले लोगों, आपको कोई मिटा नहीं पाएंगे। आप जीवित खुदा के ऊपर में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, आपको कोई भी, कोई अंधकार का शक्ति भी, कोई इंसान भी आपको मिटा नहीं पाएंगे, ताकि आपके अंदर में सेनाओं का यहोवा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका पुत्र यीशु मसीह का सामर्थ आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। लेकिन इन लड़ाइयों के पहले जब प्रभु के लोग सह नहीं पाएंगे, उस समय यीशु मसीह का आगमन होगा। उसका मतलब रूस और यूक्रेन का लड़ाई, अभी अमेरिका का सेना भी आ रहा है, कई देशों का सेना भी आएगा, नाटो में साइन भी मार दिया है, हालेलुया, यूरोपियन यूनियन भी है, हालेलुया, इन्हीं लोग सब हो सकता है, पुतिन को घेर सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक सप्ताह दो सप्ताह के अंदर में क्या क्या भयानक स्थिति दुनिया में होंगे। लेकिन अंध अभी नहीं है, अंध इसराइल के साथ लड़ाई के समय में है। लेकिन जब ये लड़ाई अगर भयानक होगी, अगर प्रभु के लोग रह नहीं पाएंगे दुनिया में, इतना भयानक स्थिति आएगा, तो प्रभु क्या करेगा? अपने बच्चों को इस दुनिया से लेने के लिए आएगा। पिता परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा। उस वचन पढ़कर हम बंद करेंगे। मत्ती रे सुसमाचार 24वें अध्याय उसका 19 से लेकर हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रे सुसमाचार 24वें अध्याय 19 से। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। अगर यूक्रेन और रूस का ये लड़ाई में पूरे विश्व के हालेलुया सेना राष्ट्र अगर आपस में लड़ेगा, ये अंध का लड़ाई नहीं है, लेकिन भयानक स्थिति होगी। प्रभु के लोगों को इस दुनिया में जीना मुश्किल होगा। अगर ऐसा स्थिति अगर आएगा, तो उसके पहले यीशु मसीह को इस दुनिया में पिता परमेश्वर भेजेगा, ताकि यहां पर लिखा है, यदि प्रेज द लॉर्ड, उसका 21 वचन, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उसका मतलब अगर प्रभु का आगमन देरी हो जाएगा, अगर भयानक स्थिति में, जैसे अभी यूक्रेन के लोग दो तीन दिन से खाना नहीं खा रहे, कई दिनों से खाना नहीं मिला है, किसी का पति खत्म हो गया, किसी का पत्नी खत्म हो गया, किसी का बच्चे खत्म हो गया, बुजुर्ग लोग खत्म हो गया, नहीं तो बिखर गया। कल मैं देख रहा था, हालेलुया, प्रेज़ एक परिवार बच्चों को पकड़कर कई परिवार भागने के समय सेना उनमें से कई लोगों को अलग कर रहे। हो सकता है बड़ा बेटा निकल गया, माँ निकल गई, पप्पा निकल नहीं पाया, बेटी निकल नहीं पाया, तितर बितर हो गया, दुनिया में कभी भी उन लोग मिल नहीं पाएंगे। इसी प्रकार का भारी कष्ट अगर प्रभु के लोगों का जीवन में आएगा, तो प्रभु के लोग भी उस समय में प्रभु को छोड़ने का ऐसा नौबत आएगा, तो उसका पहले क्या करेगा? प्रभु अपने पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजेगा, ताकि उनको मालूम हो गया, अब मेरे बच्चे उसको सह नहीं पाएगा, अगर मैं लेट करेगा तो मेरे बच्चे मुझे, मेरे लिए नष्ट हो जाएगा। उसी पॉइंट में, उसी समय क्षण में हालेलुया यीशु मसीह बादलों पर आएगा। ये लड़ाइयों के बाद अगर लड़ाई और भयंकर होते जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर कोई भी बच नहीं पाएंगे, तब यीशु मसीह का आगमन होगा
और उसके बाद का बात है प्रियो। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता है ये यूक्रेन कब्जा करेंगे, कई देशों को कब्जा करने के बाद पुतिन का हालेलुया सीना हालेलुया बढ़ जाएगा, वो बोलेगा मैं इसराइल से भी लड़ाई करूंगा। हालेलुया, जब इसराइल से लड़ाई करने के लिए वो जाएगा अपना साथियों के साथ उन पहाड़ों का चारों ओर, तब परमेश्वर यहोवा उनका हाल या सामना करके उनका हथियारों को चुनेंगे और उनको मार डालेंगे, और गोग का रशिया का प्रधान का कब्रिस्तान भी वहीं पर होगा, उनका पूरे लोगों को मार डालेगा और इसराइली उनको दफनाएगा, मिट्टी देगा। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग डरने की जरूरत नहीं, आप लोग प्रार्थना करें और यीशु मसीह का आगमन के लिए अपने जीवन को समर्पण करें, और प्रभु आपको लेने के लिए अति शीघ्र ही आने वाला है। आप सिर्फ प्रार्थना करें, नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको उद्धार दे, प्रभु उनको बचाए। इन दिनों में प्रार्थना में, आराधना में, वचन के मनन में आप लोग सब रहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीर्वाद देवे अगले वचन में आने तक। हालेलुया प्रभु यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को आशीर्वाद दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये वचनों के लिए, और वचन का प्रकाशन हमें दे प्रभु, ताकि हालेलुया हम उन वचनों को समझने पाए और अंत के दिनों में हम ना डरे। प्रभु हमारे संग है, हमारा यीशु का आगमन अभी तक नहीं हुआ है, ये लड़ाई प्रभु जी आखिरी लड़ाई नहीं है, इसके बाद कई लड़ाई अभी होने वाली है, लेकिन भारीपन होने के समय जब हम सह नहीं पाएंगे तब आपका आगमन होगा। इसीलिए प्रभु जी हम सब का प्रार्थना है आपका आगमन में हमको त्यागना नहीं, वो हमारे जीवन में पवित्रता दे, हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन दे, और वचन का मनन को, हाल वचन को हम समझने का बुद्धि हमको दे। प्रभु जी आपने प्रत्येक लोगों को आशीर्वाद दिया, धन्यवाद प्रभु जी हर बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। अगर इस स्वर्गीय मन टीवी चैनल में अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो जो वीडियो बनाएंगे प्रेज द लॉर्ड आपके पास पहले पहुंच पाए, और प्रभु आप सबों को आशीष देवे। आमीन।